जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स हमाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। वैशाली साड़ी, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी वैशाली साड़ी घंटाघर के पास सुजानगढ़। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी संतोष मेघवाल अपना नामांकन दाखिल करने पर्चा दाखिल करवाने के लिए SDM कोर्ट जा रही है और सबसे पहले वो श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पहुंची है, जहां गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना कर गणेश जी महाराज का आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है और उनके साथ में उनके पति मनोज मेघवाल भी साथ में हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ में हैं और चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर गणेश जी भगवान के पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुंची है। सर्वप्रथम वो पर्चा दाखिल करवेगी और उसके पश्चात नामांकन रैली का आयोजन होगा। गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना और आशीर्वाद अपने पति मनोज मेघवाल के साथ संतोष मेघवाल फेरी लगाकर गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना कर रही हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में स्वागत है। और अभी ये देखिए SDM कोर्ट के बाहर में मौजूद हूँ। उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुँच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष मेघवाल, जो कि यहाँ से पर्चा दाखिल करने वाली है सुजानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये देखिए राजस्थान की राजनीति में, सुजानगढ़ की राजनीति में लगातार हलचल जारी है और अब संतोष मेघवाल पर्चा दाखिल करने के लिए यहाँ पर SDM कोर्ट पहुँच चुकी है। संतोष मेघवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ, दलबल के साथ यहां पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच चुकी है। शुभ मुहूर्त के अनुसार यहां पर 11:15 है जो पर्चा दाखिल किया जाएगा और जो उसके बाद में नामांकन रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले शुभ मुहूर्त के अनुसार 11:15 का शुभ मुहूर्त लेकर भारतीय जनता पार्टी दलबल के साथ यहाँ पर बड़ी शालीनता के साथ अपने सीमित जो चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर SDM कोर्ट पहुँचे हैं, जहाँ पर यह पर्चा दाखिल किया जाएगा। उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी संतोष मेघवाल अपना पर्चा दाखिल करने के लिए SDM कोर्ट पहुंच चुकी है और चुनाव कार्यालय SDM कोर्ट में सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है, इसलिए चुनिंदा कार्यकर्ताओं को ही जो फॉर्म में गवाह है उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना फॉर्म दाखिल करने के लिए संतोष मेघवाल पहुंच चुके हैं कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहित संतोष मेघवाल अपना फॉर्म दाखिल करने के लिए पहुंच चुकी है। उनको पहले एडवोकेट अशोक जी पारिक और एडवोकेट निर्मल जी सिंह होदिया के द्वारा चेक किया जा रहा है और भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल के द्वारा फॉर्म नामांकन दाखिल किया जा रहा है SDM रमेश कुमार जी के मार्फत। पर्चा दाखिल करवाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी संतोष मेघवाल सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी। फॉर्म को चेक किया जा रहा है। अखंडता को अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी अब अपने अक्षुण्ण
भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल यहाँ SDM कोर्ट उपखंड अधिकारी में फॉर्म दाखिल करने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँची है भारतीय जनता पार्टी से, और साथ में सहयोगी के रूप में अशोक जी पारी के एडवोकेट निर्मल जी सिंह हुदिया, प्रभु सिंह जी आसरा सर मौजूद हैं, तनसुख जी प्रजापत। उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय से फॉर्म दाखिल करके संतोष मेघवाल बाहर निकल रहे हैं, नामांकन दाखिल कर दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संतोष मेघवाल ने। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार, सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए आज 2 नवंबर का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस रह रहा है, क्योंकि कल तक जो माहौल था चुनाव में आज कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल एक गुपचुप मीटिंग भी हुई थी, जिसमें जो पार्टी में जो टुकड़े थे, पार्टी में जो अलग अलग जो विरोध थे, वो कहीं ना कहीं एक सुर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह जब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी संतोष मेघवाल गणेश जी के दर्शन करते हुए बड़ी शालीनता के साथ यहाँ पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँची, तो कुछ जो चेहरे थे वो इतने दिन जो कुछ नजारत नज़र आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, जो अलग अलग नेता हैं क्षेत्र के, वो अभी तक वो किसी भी कार्यक्रम में साथ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आज नज़र आ रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि कुछ एकजुट होती हुई नज़र आ रही है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा संतोष जी मेघवाल से बातचीत की, क्या कहेंगे, आज आपने पर्चा दाखिल किया है, अभी आप बड़ी शालीनता के साथ आए हैं और अभी थोड़ी देर में आपका शक्ति प्रदर्शन होगा, तो अभी किस तरह का, क्या मतलब आपने जो पर्चा दाखिल किया है, कितना आत्मविश्वास है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु को, आज सभी जो कार्यकर्ता बंधु साथ में, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि संतोष मेघवाल आपकी बेटी है और आप बेटी बन के रहेगी और आपके सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ती रहूंगी और उस लड़ाई को अंतिम समय तक हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि आपका स्नेह ही मेरी ताकत है और अपनी बेटी को आप भरपूर आशीर्वाद दें यही मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल, कौन सी जो चुनौतियां होगी आपके चुनाव के समय में, अब जो है समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, और जो प्रतिद्वंदी के रूप में जो कांग्रेस से मनोज जी मेघवाल हैं और या कोई दूसरा प्रतिद्वंदी भी इस चुनाव मैदान में जो है वो टक्कर में होगा? निश्चित तौर से चुनौतियाँ काफ़ी है, लेकिन चुनौतियों को पार करने का हमारा इरादा है, क्योंकि चुनौतियों से खेलना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 100% मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पहले ये सोच के बैठ जाओ कि हम तो जीत गए तो आपकी वो जीत नहीं है, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता बंधु संतोष मेघवाल बनकर कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे और एक एक वोट को साथ लाने का प्रयास करेंगे और एक भी वोट हम नहीं छोड़ेंगे और निश्चित तौर से ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता का अपनी बेटी को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, पहली बार एक बेटी को उनको आशीर्वाद देने का का मिल रहा है। कल जो एक मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की, कि एकजुटता का जो दावा किया गया है, तो उसमें कितनी सत्यता है, कितने जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो चुके हैं या मतलब अभी भी कुछ बाकी है? कुछ बाकी नहीं, सब साथ में, आप अभी देख सकते हो सारे चेहरे मेरे साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी वो वरिष्ठ कार्यकर्ता साथ में हैं जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और कहना चाहती हूं कि आपका सम्मान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने ही इस पार्टी को सींचा है और आपने इस परिवार में हमें शामिल किया है और आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका दिया। आपकी बेटी आपका पूरा ध्यान रखेगी, आपका मान सम्मान रखेगी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका कहना है कि मैंने जो काम किया है, 2 साल का 2.5 साल का एक अल्प समय मिला और जो मैंने काम किया है उसके दम पर उन उपलब्धियों के साथ मैं जनता के बीच में हूं, तो आप क्या कहेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो काम हैं जो हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो या कौन से ऐसे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप मैदान में? शहर के अंदर आप देख लो, ओवरब्रिज बनना था, पुलिया बनना था, लेकिन आज तक नहीं बना। लोग दिन में कोई 50 बार परेशान होते हैं, इधर के इधर उधर के उधर रह जाते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो घोषणा कर दी कि हम पुलिया बना देंगे, लेकिन आज तक नहीं बना। आप ये देख लो कि इनका काम क्या होता है, सिर्फ पट्टियाँ लगाना, सिर्फ शिलान्यास करना था कि ये दिखाए कि काम हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये काम किसने किया था। वो काम किया था संतोष मेघवाल ने, भारतीय जनता पार्टी की प्रधान ने किया था, लेकिन इन्होंने अपने पावर का यूज किया पूरे क्षेत्र मेरे विदस्त का जो क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने ये काम किया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि झूठ के पैर बहुत कम होते हैं, वो ज़्यादा लंबे नहीं जा सकते, लेकिन सत्य की जीत सदैव होती है। मैंने सदैव सत्य का साथ दिया और हिम्मत के साथ में हमेशा मैंने लड़ाई लड़ती रहूँ
रही हूँ और आगे भी प्रयास करूंगी कि जनता को साथ में लेकर सत्य की लड़ाई लड़ूं और उस लड़ाई को मैं जीतूंगी, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से जनता को परेशान करने का काम किया है ये जनता जवाब देगी। आज आप क्षेत्र में जाके देखो, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, किसान बिजली के लिए तरस रहे हैं, उनकी फसलें जल गई, उनकी फसलें नष्ट हो गई, लेकिन इन्होंने कोई भी उनको सहायता नहीं दी। लेकिन हमारा यही रहता है विश्वास कि हम उनके बीच में जाए, जनता के लिए प्रयास करें, जनता के लिए लड़ाई लड़े। आज सुजानगढ़ को जिला बनाना था लेकिन इन्होंने नहीं बनाया सुजानगढ़ की, कह रहे हैं बन चुका है, इसमें भ्रम बनाया जा रहा है केवल। वो आपको सब पता है, जनता को पता है कि कितना बनाया कितना नहीं बनाया, थोती घोषणा है और घोषणा बन के रहेगी। सुजानगढ़ को जिला बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसमें भरपूर पूरा प्रयास करूंगी और सुजानगढ़ को जिला बनाऊंगी। सुजानगढ़ को जिला बनाएंगे, और जो कुछ कार्यकर्ता, जो प्रमुख, जो पूर्व जो विधायक हैं, पूर्व जो मंत्री यहाँ से रहे, वो अभी तक नजर नहीं आ रहे आपके कार्यकर्ता? निश्चित तौर से सभा में आएंगे, सभा में सारे साथ में। सभा में कौन कौन से नेता आ रहे हैं? हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राठौड़ साहब, सम्मान्य एमपी साहब राहुल जी कसवा जी, अर्जुन राम जी मेघवाल साहब आ रहे हैं, और राजकुमार जी रेणुआ जी आ रहे हैं, खेमा राम जी आ रहे हैं, और अभिनेश जी आ रहे हैं, सभी बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। मतलब सभा के माध्यम से आप एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं आज, हैं? मतलब मैं कह रहा हूं कि आज का दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या कहेंगे तनसुख जी, जो भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई बिखराव की स्थिति? अब नहीं, कोई बिखराव की स्थिति नहीं है। क्या है कि जो टिकट के दावेदार थे उनमें थोड़ा सा शिथिलता है, क्योंकि टिकट थोड़े काफ़ी पहले मिल गई, इसलिए क्या है कि हमारे शहर की जनता का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं जो को फुल टाइम तो राजनीति करते नहीं है, वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, उनके पास समय कम रहता है, तो जितने समय में रहते हैं वो क्या है, चुनाव का मंडाण मरने के बाद में सारे मैदान में दिखेंगे। आपको रैली के मार्फत आप देख लेना, सब लोग जितने भी हैं कार्यकर्ता, मतलब इतने 40 साल 50 साल पुराने जितने भी जिन्होंने पार्टी को सींचा है, वो सभी लोग मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता साइलेंट मोड पे काम करता है, ज़्यादा दिखावा कम पसंद करता है, इसलिए बीजेपी बहुत ही अच्छे मतों से जीतेगी। ये मैं कहना चाहूँगा, एक संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जनता जब एक सैलाब बनकर किसी के सिंहासन को खत्म करने के लिए उतरती है, तो मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूँगा कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। लोकतंत्र की यही रीत है। ये तो राजस्थान का डूबता हुआ टाइटैनिक है, इसका खात्मा तय है। इसने राजस्थान की जनता के साथ छलावे के अलावा कुछ नहीं दिया। किसानों के खेतों में बिजली नहीं, गांवों के ग्रामीणों को पीने के लिए जल की आपूर्ति नहीं, हर जगह पूरे राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल है। राजस्थान अपनी गौरवशाली परंपरा के लिए हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता रहा है। यहाँ महिलाओं के साथ इतने दुराचार हुए हैं कि हमारी बहन बेटियों को दुराचार के बाद में जिंदा जला दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती है। तो जनता ने अपना मानस बना लिया है कि इस अराजक सरकार को, कांग्रेस की सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ करके 25 नवंबर इसका आखिरी दिन होगा। बिल्कुल, एकजुटता को थोड़ा समझना चाहूंगा, क्या कहेंगे नवरंग जी? अभी कोई गुटबाजी नहीं है, छोटा मोटा बड़े परिवार में ये होता रहता है। अब सभी एक जगह एक जाजम पे आज हम साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल, क्या कहेंगे महावीर सिंह जी पार्वती सर? देखो, ये बड़ा परिवार है, इस परिवार में टिकट मांगने का सबका अधिकार है। टिकट एक को मिलती है और टिकट एक को मिलती है। हम बीजेपी के आज से 3 पीढ़ियां से 4 पीढ़ियां बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। और कल आपको संतोष जी, हम प्रधान जी को बुला के सबको कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पूरा परिचय दे दिए कि हम ईमानदारी से आपके साथ ईमानदार से खड़े रहेंगे। और इस सुजानगढ़ विधानसभा से तय यह हुआ कि हम बीजेपी में बिल्कुल संतोष से हम आपके साथ है, आप हमारे कार्यकर्ताओं से ध्यान रखो, आपके साथ रहेंगे, ये तय हुआ। और संतोष जी हमारे 2-3 बार पहले बेन मिल चुकी है, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। टिकट मिले तो बात संतोष जी मिल गई उनके साथ, और संतोष जी टिकट नहीं मिलती अन्य और मिलती उनके साथ होते हैं। तो हमें बिल्कुल संतोष जी के जो निर्दलीय का जो कयास था वो खत्म है, बिल्कुल खत्म है। एक साथ रहेंगे। आपको ये वादा दिलाता हूँ यहाँ आपके मार्फत से, वापिस से अपने को मेरे मुख से एक बार ये सुने कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के हासिल की है और जीतेगी, 100% जीतेगी विधानसभा सुजानगढ़ से। बिल्कुल, ये खास बातचीत संतोष जी मेघवाल जो कि फॉर्म दाखिल करने के लिए, पर्चा दाखिल करने के लिए यहाँ उपखंड कार्यालय में पहुंची। और आज की ये बड़ी अपडेट रही कि भारतीय जनता पार्टी जो कई गुटों में बंटी हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं वो एकजुट होती हुई नजर आई। मैंने कुछ लोगों से भी बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर नामांकन रैली और सभा में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय से मैं नागेश कुमार कौशिक अपने सहयोगी नील प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।